हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप ईएपी क्वालिफायर बी लीग का जो यहां पर सेकंड मैच खेला जाने वाला है। दोस्तों, इस मैच के प्रीव्यू स्टेट्स एनालिसिस आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैच के प्रीव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया हो तो अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस देखिए जो फाइनल टीम्स हम देते हैं टॉस के बाद, रन बनाने के बाद, वो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप अभी जाइए टेलीग्राम पर जाके टारगेट इन फैंटेसी के साथ कीजिए, वहाँ पर आपको 2300 प्लस सब्सक्राइबर वाला जो चैनल मिलेगी वो चैनल आपको ज्वाइन करना है। दोस्तों, देखिए बहुत सारे चैनल ऐसे आपको दिखाई दे सकते हैं कि 8K 10K वाला, लेकिन वो सारे चैनल्स हमारा नहीं है, वो सारे फेक चैनल्स हैं। आपको वो सारे चैनल्स नहीं ज्वाइन करना है। आप और एक तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो लिंक पर आपको क्लिक करना है, वहाँ पर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पर आ जाओगे और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, फाइनल टीम्स के लिए आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में कह दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैच की बात करेंगे। कल सुबह 10 बजे ये मैच होगा। 15 अक्टूबर है, आप सभी को पता है कि वेन्यू यहाँ पर रहने वाले देखिए सैनो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जापान में। दोस्तों, वेदर की बात करें क्लियर रहने वाले हैं, बिल्कुल पिच रिपोर्ट बैलेंस रहेगा, बैटिंग फ्रेंडली और बॉलिंग फ्रेंडली पिच आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर एवरेज स्कोर बनने का चांस है 123 तक, और इससे ज़्यादा कम स्कोर भी बन सकते हैं अगर यहाँ पर कोरिया, साउथ कोरिया की टीम जो है वो पहले बैटिंग करे तब। दोस्तों, ये मैच जापान और साउथ कोरिया के बीच होगी। पहला वाला एक मैच होगी शायद वो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के बीच। अगर वहाँ पर देखिए साउथ कोरिया की टीम कैसे परफॉर्मेंस करे उसके ऊपर में, मतलब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर साउथ कोरिया कैसे खेल सकता है सेकंड मैच में। तो दोस्तों, देखिए आज के मैच प्रेडिक्शन हम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जापान 60% विनिंग चांसेस, साउथ कोरिया 40% विनिंग चांसेस। तो आपको बेसिकली जो है जापान के फेवर में थोड़ा सा जाना है। आप यहाँ पर ये रेशियो को 70-30 तक भी लेकर जा सकते हो। तो गाइस, अब हम देखेंगे इस वीडियो की जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोनों टीम की प्रोबेबल प्लेइंग XI, साथ में यहाँ पर एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाला है, उसी के साथ दोस्तों प्लेयर्स की जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है दोनों टीम्स का, मतलब यहाँ पर आपको, अब देखिए दोस्तों जापान की तरफ से तो आपको हर एक प्लेयर्स का यहाँ पर बिल्कुल स्टैट्स, मतलब A to Z स्टैट्स आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, बात की है कि साउथ कोरिया की जो टीम है बिल्कुल नया है, तो उनके बारे में हमारे पास उतनी डेटाज नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, हमने आपको सिर्फ बता सकते हैं कि कौन से प्लेयर आपके लिए अच्छा रहेगा और प्लेयर्स की दोस्तों यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग स्टाइल्स कैसा है वह हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए जापान की तरफ से सबसे पहले हम बात करेंगे। तो गाइस, और एक बात क्या है कि हम एंड में जाके एक स्मॉल लीग का डेमो टीम, बेस्ट टीम बनाकर भी आपको दिखाने वाला है। तो इसलिए आप यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए और आप एक अच्छी टीम बना सकें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जापान की तरफ से एलेक्स पटमोर जो कि विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर रहेगा, ओपनिंग करने आएंगे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, उसी के साथ एस रविचंद्रन डायहत के बल्लेबाज, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करता है। पटमोर की बात करें 16-73, 19-25 9 रन 5 इनिंग्स पर किए थे, और रविचंद्रन देखिए दोस्तों 17-6, 27-44, 15 रन और 5 मैचों में टोटल 6 विकेट निकाला। दोस्तों, टॉप 2 में देखिए मतलब ओपनर जो 2 है 2 ही आपके लिए अच्छा रहेगा। केंडल फ्लेमिंग कप्तान रहेगा, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म ऑफ-ब्रेक बॉलिंग करता है। 12-8, 5 रन विकेट लेस गए, उतना अच्छा फॉर्म पर नहीं चले लास्ट 3 मैचों में। 2 डाउन आएंगे लचलन लेक, डायहत के बल्लेबाज, राइट आर्म ऑफ-ब्रेक बॉलिंग करता है, 3-57, 4 रन किए। और नंबर 5 पर आएंगे दोस्तों सोगो किमुरा, बायहत के बल्लेबाज है, 2-17, 10-7, 4 रन। और यहाँ पर रियो सकुरानो देखिए यहाँ पर डायहत के बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम पेसर है, 7-3, 7-6 रन। और रिसेंटली जो 5 मैच पर बॉलिंग करें वहाँ पर देखिए पहला 2 मैच में, मतलब लास्ट जो 5 खेले उनमें से जो पहला 2 थे वहाँ पर विकेट लेस गए थे, लेकिन उसके बाद 3-5-1 टोटल यहाँ पर 8 विकेट निकाला। तो दोस्तों, साकुरानो आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट चॉइस इस मैच पर रहेगा एज ए बॉलर। और नंबर 7 की बात करें मैकोटो तानियामा, डायहत के बल्लेबाज है और राइट आर्म मीडियम पेसर भी है, 13-3-1-0-2 रन 5 मैचों में, 4 मैचों में, लास्ट 4 मैचों में यहाँ पर 5 विकेट निकाला। डेक्लान मैकॉम राइट के बल्लेबाज है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, 20-12-14-6 रन 5 मैच में देखिए 0-1-0-0-1 विकेट टोटल यहाँ पर 2 विकेट निकाला, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी के साथ नहीं रहे तो इसलिए इनको आप ड्रॉप कीजिए। पीयूष कुमार है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, 3-1-1-1-2
मतलब देखिए हर एक मैच में विकेट है, एक भी मैच पर ऐसा नहीं गए कि विकेटलेस गए, तो इसलिए ऐसे प्लेयर्स को आपको आपके टीम पर मस्ट रखना चाहिए। हो सकता है कि आप कैप्टन मस्ट ना बनाएं लेकिन टीम पर मस्ट पिक रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये प्लेयर्स परफॉर्म करने वाला है। नंबर 10 पर देखिए दोस्तों इब्राहिम तकासी, डेथ के बल्लेबाज राइट आर्म ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 0-3-1-1-2 लास्ट 5 इनिंग्स में टोटल 7 विकेट निकाला। दोस्तों इब्राहिम तकासी आपके लिए एक बढ़िया चॉइस रहेगा एज ए बॉलर। कोई क्यू बोटा देखिए डेथ के मीडियम पेसर है, लास्ट 5 मैच में 3 विकेट निकाला, 1-1-0-0-1 विकेट। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जापान की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए फिलहाल इस मैच के लिए बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर एलेक्स पटमर है, एस रविचंद्रन, दोनों में से आप दोनों को ही ट्राई कीजिए लचलन लेके। उसके बाद आएंगे दोस्तों यहाँ पर सकुरानो, चौथे चॉइस हो गए हैं। और उसके बाद दोस्तों देखिए मकोटो तानियामा पाँचवा चॉइस, पीयूष कुमार है छठा, साथ में यहाँ पर देखिए इब्राहिम तकासी सातवां पिक। आपके लिए 7 प्लेयर्स मस्ट चॉइस रहना चाहिए, मतलब ये 7 प्लेयर में से ही आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर्स को चूज़ करना पड़ेगा जिनको आप मस्ट पिक कीजिए। मतलब देखिए दोस्तों आप चाहते हैं यहाँ पर 7-4 आसन के साथ बना सकते हो, लेकिन अगर पहला मैच पर थोड़ा सा साउथ कोरिया की टीम ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई, मतलब 2 से 4 प्लेयर्स ऐसे कुछ निकाल के आए कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, तो आप 6-5 के साथ भी जा सकते हो। देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए किसी भी टीम को आपको उतना कमज़ोर नहीं समझना है। दोस्तों देखिए साउथ कोरिया की तरफ से बात करें, राजा मोहम्मद ओपनिंग करने वाला है इकबाल आसिफ के साथ। राजा मोहम्मद के विकेट कीपर है, डांत के बल्लेबाज रहेगा इकबाल आसिफ, विकेट डांत के बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम पेसर है। और नंबर 3 पर आने वाले नसीर खान, जो ये भी डांत के बल्लेबाज है। नंबर 4 पर आएंगे दोस्तों लिम जेंग वुक, डांत के बल्लेबाज। देखिए टॉप 4 में से 4 ही यहाँ पर डांत के बल्लेबाज है, और देखिए पांचवा भी यहाँ पर डेथ के बल्लेबाज गुर्जर कुलदीप, देखिए राइट आर्म बल्लेबाज, साथ में पर राइट आर्म मीडियम पेसर भी है। दोस्तों टॉप 5 में डेथ के बल्लेबाज रहा आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पीयूष कुमारी जो है अच्छे विकेट निकाल सकते, क्योंकि देखिए एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है जो कि हमेशा क्या करते हैं कि डेथ के बल्लेबाज को परेशानी में रखते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर नंबर 6 पर आने वाले अल्ताफ आमिर, इनके बारे में कोई मतलब इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हमारे पास। नंबर 7 पर आलम नकास, इसका भी देखिए कप्तान है लेकिन इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहे, जो भी आप देख सकते हो कि ड्रीम इलेवन पर भी इनके बारे में कुछ भी रिपोर्ट्स मतलब नहीं है, किस तरीके से बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, स्टाइल कैसा है। नंबर 8 पर दोस्तों इकबाल मुदस्सिर, डांत के बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम पेसर रहा। नंबर 9 पर उल्लास हाना, डांत के मीडियम पेसर है। लाल अमीर और एनी होबेम, इन दोनों के बारे में भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहे। तो दोस्तों अब हम देख लेंगे साउथ कोरिया की तरफ से कौन कौन से प्लेयर ठीक ठाक रहेगा इस मैच के लिए। राजा मोहम्मद, इकबाल आसिफ, अलीम जेवुक, गुर्जर कुलदीप, इकबाल मुदस्सिर और उल्लास हाना। दोस्तों ये 6 प्लेयर्स अच्छा रहेगा, इनमें से आपको 4 या 5 प्लेयर्स या फिर 6 प्लेयर्स जिनको आप चाहिए उनको ले लेना। तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्मॉल लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर बेस्ट और कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस पर रहने वाले हैं। देखिए एस रविचंद्रन, मकोटो तानियामा, कादिक गमांटिका, अल्ताफ अमीर, ये 4 प्लेयर्स को लेकर यहाँ पर आपको स्मॉल लीग की टीम पर कैप्टन वाइस कैप्टन रखना पड़ेगा। दोस्तों ग्रैंड लीग की बात करें, नसीर खान, गुर्जर कुलदीप, रियो सकुरानो, पीयूष कुमार, ये 4 प्लेयर में से आप ग्रैंड लीग के लिए अलग अलग टीम पर रोटेशन करके प्लेयर्स को ट्राई कर लेना, या फिर अब इनमें से किसी 2 को लेकर ग्रैंड लीग की टीम पर रिस्की कैप्टनशिप वाइस कैप्टन चॉइस पर रख लेना। तो दोस्तों फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्टैट्स एनालिसिस के बाद, अभी हम चलेंगे ड्रीम इलेवन तरफ, वहाँ पर हमने फिलहाल एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बनाकर आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा फाइनल टीम है वो आपको मिलेगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो आप जाइए अभी के भी लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फाइनल टीम्स के लिए। तो दोस्तों विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर राजा मोहम्मद या फिर ए पटमोर, इन दोनों में से आप किसी एक को ट्राई कीजिए। लेकिन देखिए एस नरवन था, इनको भी लोगों ने पिक करके रखा है लेकिन हमने इनको नहीं किया स्क्वाड के अंदर, मतलब स्क्वाड में शामिल नहीं किया। लेकिन देखिए हम यहाँ पर जाएंगे ए पटमोर के साथ और राज मोहम्मद के साथ। दोस्तों बैटिंग सिस्टम पर चलेंगे रविचंद्रन, यहाँ पर फ्लेमिंग, साथ में पर इकबाल आसिफ, बाकी यहाँ पर ए लेग जो है ये भी आपके लिए अच्छा खासा चॉइस हो सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें दोस्तों सकुरानो जी, कुलदीप, साथ में यहाँ पर आई एम तनियामा रहेगा। बॉलिंग सिस्टम पर देखिए दोस्तों पी कुंभार है, आई तकासी और आई मुदस्सिर। दोस्तों कैप्टन सिप स्क्रीम चॉइस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, आई आसिफ सेफ कैप्टन, उसी के साथ सेफ भाई स्क्रीम चॉइस पर रहने वाले हैं फ्लेमिंग। दोस्तों सेव करके आपको प्रीव्यू दिखाएंगे पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर ग्रैंड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ये पटमर और आर मोहम्मद दोनों रहेगा विकेट कीपरिंग सेक्शन पर। बैटर्स की बात करें यहाँ पर देखिए बैटर्स चॉइस में रहेगा रविचंद्रन, फ्लेमिंग, आई आसिफ, एम तनियामा, सकुरन और जी कुलदीप, तीनों रहेगा ऑलराउंडर सेक्शन पर। बॉलिंग की बात करें पी कुंभारे, आई तकासी और आई मुदस्सिर, तीनों यहाँ पर बॉलिंग चॉइस पर रहने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल हमारे टीम का कैप्टन रहेगा आई आसिफ और के फ्लेमिंग।
और आप इस कॉम्बिनेशन से ग्रैंड लीग के लिए ट्राई कर सकते हो। एम पाटमर, आर मोहम्मद, रविचंद्रन, जी कुलदीप, सकुरानो और यहाँ पर आई मुदस्सिर। दोस्तों ये 6 प्लेयर्स आपके लिए ग्रैंड लीग पर भी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम। फाइनल टीम के लिए आप अभी का भी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिले। और एक अच्छा सा टीम बने, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।